वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट फोर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नई चीज़ों के बारे में। आपको डी फाइन करना है और कुछ अजब गजब चीज़ दी हुई है आपको। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ए 17 इज इक्वल टू ए 10 प्लस 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए 17 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए 17 को मैं थोड़ा सा मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, तो ये ए प्लस 16D हो जाएगा। और ए 10 की मैं बात करूं तो ए प्लस 9D हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 7। किसी को भी लिखना हो तो आप क्या करो, ए प्लस जो नंबर दिया है उसको माइनस 1 करके लिख दीजिए। 17 ने 16 कर दिया, 10 है 9 कर दिया, राइट। अब मैं दोनों साइड ए है तो ये कट हो जाएगा, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा, 7D इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 7/7, डी इज इक्वल टू 1। कितना बड़ा क्वेश्चन था और आपको लग रहा था कि पूरा पेज मैंने छोड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा इसका, मगर देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी था। मुझे भी लग रहा था कि ये थोड़ा हार्ड होगा, बट बहुत ही इजी है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच।